सोशल मीडिया बहुत शानदार प्लेटफॉर्म, जाने कितने आम से लोगों को खास बना देने की ताकत रखता है, लेकिन इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितने लोग सही तरह से करना जानते हैं, ये बड़ी बात है। आपको पता है कितने लोग यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक दूसरे की पोस्ट देखकर, एक दूसरे के साथ बात करके अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत गलत भी कर लेते हैं। एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। सोशल मीडिया केवल रील्स पोस्ट करने के लिए नहीं है, सोशल मीडिया दुनिया जहान की नॉलेज लेने के लिए भी है। और उनमें से एक नॉलेज ये भी है कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, तो फीमेल्स के अकाउंट पर मेल्स की भीड़ लग जाती है और मेल्स के अकाउंट पर फीमेल्स की। बहुत सामान्य है, अपने आप को स्पेशल ना समझे। आपके अकाउंट से, आपकी वीडियो से, आपकी पिक से इन्फ्लुएंस होके लोग आपको प्यार करने का दम भरने लगते हैं, और दुख की बात यह है कि आप उसे सच समझ बैठते हैं। कितनी सारी मासूम बच्चियां, बच्चे एक तरह से फंसते हैं इस ट्रैप में। ये गलती आप कभी ना करें। सोशल मीडिया पर जो लोग आपको प्रेम करने का दम भरते हैं, याद रहे वो लोग आपकी पोस्ट देखकर, आपके फीचर्स देखकर, आपका अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देखकर आपसे इन्फ्लुएंस हुए हैं, और आकर्षण एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाता है। यहाँ लोग एक दूसरे को आकर्षित होकर देखते हैं, इसे प्यार समझने की भूल ना करें। बहुत सारी तो विवाहित महिलाएं अपने घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुकी हैं इसी वजह से कि कुछ लोग उनकी तारीफ कर देते हैं, कुछ लोग उन्हें प्यार करने का दम भरते हैं। एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है लोगों का, आप अपने अंदर से कहीं बहुत दुखी हैं, आपको देखकर लगता है कि आपके हस्बैंड आपको पूरा टाइम नहीं देते। मेरे पास कितने सारे लड़कियों के ये सेम कमेंट आते हैं, मैम हमें इस तरह के मैसेजेस आते हैं। ये आपको ट्रैप करने का सिर्फ एक तरीका मात्र है, बस आप फंसिएगा नहीं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें नॉलेज बढ़ाने के लिए, और अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है, हेल्दी मानसिकता के साथ आपके साथ जुड़ता है, तो उसका स्वागत कीजिए, अन्यथा हर किसी व्यक्ति के लिए अपने अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए। इसी में भलाई है आपकी। सोशल मीडिया इस्तेमाल करना सीखिए। यहाँ बहुत लोग आते हैं, सारे दोस्त नहीं होते, बहुत सारे गिद्ध भी होते हैं। ख्याल रहे, माइंड इट।